आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा कढ़ी की रेसिपी। अंडा कढ़ी मैक्सिमम लोगों को बहुत ही खाने में पसंद आती है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन हम इसे आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। घर के बेसिक मसालों से हम इस अंडा कढ़ी को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अंडा कढ़ी को हम किस तरीके से बनाते हैं। बिना देरी करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसी अंडा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज में हमने प्याज ले लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट के ले लिया है। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। साथ में हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ भी डाल देते हैं। चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। जिस तरीके का हम बिरयानी के लिए प्याज भूनते हैं ना, उसी तरीके का हमें अंडा कढ़ी के लिए भून के तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी थोड़ी भून चुकी है। अब हम इस टाइम पे 1 कटी हुई टमाटर डालेंगे, इसे भी हम साथ में भून लेंगे। साथ में 1 हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, इसे भी हम साथ में प्याज और टमाटर के साथ इसे हम भून लेंगे। ये लीजिए प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन हमारी भुन चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे हम पीस लेंगे। मैं इसे 2 बैचेस में पीस के तैयार करूँगी। इसमें पानी ना डालें। जार का ढक्कन लगा के अब आप इसे पीस लें। ये लीजिए हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पे इसे 2 बैचेस में पीस के तैयार कर ली हूँ। वापिस से हम सेम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 अंडे ले लिया है। इसको मैं इस तरीके से बीच से इस तरीके से कट लगा करके ले लूँगी। इससे क्या होगा ना कि जब ये तेल में जब जाएगा तब इसके जो छींटे हैं ना तेल के, ये ऊपर की ओर नहीं आएगा। इस तरीके से आप कट लगा करके अंडे को इसमें डाल दें। ये देखिए सारे अंडे को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे इस तरीके से रोटेट करते हुए इसे हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमें इसे हल्का ही इसे फ्राई करना है। अगर आपको फ्राई किए हुए अंडे कढ़ी में नहीं डालनी है तो आप सिंपल उबले हुए अंडे ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए अंडे भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अंडे को हमने निकाल लिया है। वापस से हम सेम पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, सारी चीज़ों को तेल में डाल देते हैं और इसे चटकने देते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। कलर के लिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही हमें लो कर देना है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। अब हमने जो मसाले को पीस के रखा हुआ था इसे अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसे चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। मिर्च डालने से क्या होता है ना कि कलर बहुत ही अच्छी आती है। ये लीजिए हमने इसमें अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने मसाले में भी हरी मिर्च पीसा हुआ है, इसलिए मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। सारी चीजों को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से चलाते हुए आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम भून लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। इसे डाल करके मिला लेंगे और हम इसे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए 3 से 4 मिनट हम इसे ढक देते हैं। हमें तब तक इसे ढकना है जब तक कि मसाले से तेल बाहर ना आ जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट हम इसे और भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में एक हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से चीरा लगा करके ले लिया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये लीजिए मसाले रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून फेटी हुई दही ले लेंगे। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल ही ये रेस्टोरेंट जैसी खाने में लगती है। इसे डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। पहले आप दही को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लें, उसके बाद गैस को ऑन कर लें। अब हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट हम दही के साथ भी थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। एक से दो मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देते हैं। हमने 1/2 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ग्रेवी मुझे थोड़ी थिक लग रही है। 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी और ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। ये लीजिए मिक्स कर दिया है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें उबाल आने देते हैं। अब हम ग्रेवी को देख लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम इसे एक बार इस तरीके से चला देंगे। उसके बाद हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। इसे डाल करके मिला ले। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। ये लीजिए अंडा करी बनके बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल एग कड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। रेस्टोरेंट में जैसी ग्रेवी बनती है ना, बिल्कुल वैसे हमने बना के तैयार की है। आप इसे रोटी, राइस, कुलचा, नान किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सबके साथ परफेक्ट आती है। आप इस तरीके से जरूर एक बार बना के ट्राई करें। एक बार आप इसे इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।